नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत अपने चैनल में करता हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नज़ारा आईटी शिमला का इस समय, और सामने ही जो मॉर्निंग असेंबली का टाइम है, बहुत सारे ट्रेनीज जो मॉर्निंग असेंबली के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और यहां पर कल यानी 20 तारीख को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत एक विशाल कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कृष्ण प्रसाद जी, और विशाल कार्यक्रम है यहाँ पर। एक तकनीकी शिक्षा विभाग शिमला, आप देख सकते हैं जो ट्रेनीज हैं वो असेंबली के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और ये हमारा कैंपस है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारे, नमस्कार अरुणा जी, राधे राधे। ये हमारे निशा शर्मा जी, और चल पड़े हैं असेंबली के लिए। और सभी यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं सभी। 10 बजे का समय है दोस्तों। और ये हमारे स्टेनो डिपार्टमेंट है, स्टेनोग्राफर हिंदी। और नमस्कार मैडम जी, ये हमारे आशा जी है, आशा मैम है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर। और यहाँ अभी ऑलमोस्ट सब गैदर हो चुके हैं ग्राउंड में, और हमारे जो परेड कमांडर है वो भी खड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाइस प्रिंसिपल श्री संजय शर्मा जी भी बिल्कुल स्पोर्ट्स स्पिरिट में एक बार फिर से तैयार होते हुए, और सभी इकट्ठे हो गए ये। और सामने ही दोस्तों ये जो धौलाधार की पहाड़ी है, यहाँ पर ताज़ी बर्फबारी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ जितना भी दिखा पा रहा हूँ। ये धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं जो कांगड़ा से जल्दी नज़दीक दिखती है, हालाँकि ये जो है मनाली के ऊपर की पहाड़ियाँ है, सिस्सू के आसपास का इलाका है। और यहाँ से बारालाचा भी थोड़ा, जो हमारा टनल है अटल टनल, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, और आगे जाके फिर बारालाचा फिर दर्रा आता है। और तो ये जो यहाँ पर असेंबली है ये शुरू हो गई। हमारे संस्थान के जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, और हम नीचे चलते हैं। और नीचे चल के थोड़ी देर में राष्ट्रगान शुरू होने वाला है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक से ये व्यू आपके सामने दिखा रहा हूँ, और हमारे ट्रेनीज काफ़ी खूबसूरत, विशाल, सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में। और हमारे ये जो वुमेन आईटी के मैम है, ये भी आ गए हैं। और पर जो राष्ट्रगान है वो हो चुका है दोस्तों, आप देख रहे हैं। और अब आज की जो मॉर्निंग असेंबली है, तो वहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। तो सभी ट्रेनीज आ चुके हैं हमारे, ये देखिए वेल्ड ट्रेड के इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर प्रेम जी है इनका नाम, ये भी है वहाँ पर, और मनोज जी भी है साथ में। तो यहाँ पर सभी आ गए हैं, और मॉर्निंग असेंबली चली हुई है। देश ने वाली अमेरिकी कंपनियों पर लगा दिया बैन। इसराइल के रक्षा मंत्री ने जंग के नए चरण का किया ऐलान, टारगेट पर है लेबनान। राष्ट्रीय समाचार, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव और चंद्रयान 4 को मंजूरी, बच्चों की पेंशन स्कीम शुरू, लेबनान में अब वॉकी टॉकी विस्फोट, 14 की मौत। कपिल मान गैंग की लेडी डॉन काजल खन्ने गिरफ्तार, जनवरी में शूटर भेजकर कराई थी एयरलाइन क्रू मेंबर की हत्या। स्थानीय समाचार, औद्योगिक बिजली सब्सिडी पर अब मुख्यमंत्री लेंगे फैसला, भारी राज्य में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षक और गैर शिक्षक जाएंगे वापस, जारी होंगे नोटिस। अब कुछ खेल समाचार, अफ्रीकी टीम पर 3 फॉर्मेट में पहली जीत, पहला वनडे 6 विकेट से हराया, धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण एवं मेरे समक्ष उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राओं,
मैं सीएचएनएम ट्रेड की छात्रा आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका उचित शीर्षक है शिक्षा का महत्व। आज मैं आपसे शिक्षा के महत्व पर बात करना चाहूँगी। शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा न केवल हमें ज्ञान प्रदान करती है बल्कि हमें सही और में एक सम्मानजनक सम्मान दिलाती है। शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा का महत्व केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, यह हमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समझने और उन्हें अपनाने की प्रेरणा भी देती है। इसके माध्यम से हम अपनी सोच को व्यापक बना सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हम सभी को शिक्षा का महत्व समझते हुए इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम एक प्रगतिशील और सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब जो है वो सभी इंस्ट्रक्टर अटेंडेंस लेते हैं। ये मॉर्निंग असेंबली जो है वो यहीं ख़त्म हो रही है और हमें भी अटेंडेंस लेनी है, तो यहाँ पर मॉर्निंग में जो है वो अटेंडेंस आप देख सकते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल महोदय भी यहाँ पर और सभी जो इंस्ट्रक्टर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार सर। तो जो सभी इंस्ट्रक्टर है अभी प्लम्बर वाला का रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर कहाँ है सर? रजिस्टर का ले आओ, ऊपर ही रहा सर। सर तुम छुप क्या फोन नंबर में नमस्कार सर। सर ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और जिस तरह से